मेरा नाम डॉक्टर कासिम बशीर है। मैं न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट हूँ हमीद लतीफ हॉस्पिटल लाहौर पाकिस्तान में। मैं अपना ब्रीफली अगर तारफ़ करना चाहूँ तो मैं ये बताऊँगा कि मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और उसके बाद फिर मैं अमेरिका चला गया था अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पर मैंने 2 साल दिमाग और कमर के जो खून की नालियाँ हैं उस रिसर्च की, सर्बोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स में रिसर्च की, और फिर न्यूरोलॉजी की 4 साल की रेजिडेंसी और 3 साल फर्दर फेलोशिप ट्रेनिंग स्ट्रोक न्यूरोक्रिटिकल केयर और न्यूरो एंडोवैस्कुलर सर्जरी में, टोटल 4 साल और, तो 8 साल मिला के, तो पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग करके फिर 5 साल मैंने वहाँ पर यूनिवर्सिटी में काम किया और फिर अपने मुल्क वापस आ गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि आप जो मरीज़ है वो एकदम बैठे बैठाए उसका एक साइड चेहरे का लटक सकता है या एक साइड उसकी पूरी, जैसा मैंने आपको ये मरीज़ दिखाया कि एक मरीज़ की राइट साइड पूरी कमज़ोर हो गई, एक की लेफ़्ट साइड हाथ और टांग कमज़ोर हो गए, तो अभी वो आपसे बात कर रहे हैं और एकदम ये कमज़ोरी आपको पड़े तो ये फालिज के अलामत में आती है। अगर आपकी ज़िंदगी, आपको सर दर्द तो हर इंसान को वक्तन वक्तन होती है, मगर अगर आपकी ज़िंदगी में इतनी शदीद सर दर्द हो कि जो आपसे काबिल बर्दाश्त ना हो और जो पिछली आपको कभी सर दर्द हुई उससे बहुत ज़्यादा हट गया हो, तो ये भी एक फालिज के अलामत में कंसिडर की जाती है। एक और सिनेरियो जो होता है वो ये है कि आप देखने के बिल्कुल काबिल हैं मगर एकदम आपकी एक आंख से बिनाई चली जाए या वो वापस आ जाए, फिर चली जाए या धुंधला पड़ जाए, वो भी फालिज के अलामात में शामिल होता है। अगर इस तरह की कोई भी चीज़ हो तो घर वालों का या जो आपके दफ्तर में लोग आपके साथ काम कर रहे हैं या बाहर लोग हैं वो इसको फौरन पहचाने, और सबसे पहला जो काम करना चाहिए वो ये है कि इनको सबसे करीबी अस्पताल में लेके जाना चाहिए, उधर ये वजह दरियाफ्त करनी चाहिए और बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 4.5 से 6 घंटे के बाद इसके इलाज करने में दुश्वारी आना शुरू हो जाती है। तो जो पहले 60 मिनट हैं वो हम उसको सुनहरी घंटा कहते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो मगर वो शुरू ही उस वक्त हो सकता है अगर इसको वक्त पे पहचाना जाए और वक्त पे मरीज़ हॉस्पिटल पहुँचे। इसमें वक्त पे हॉस्पिटल पहुँचने में हमारी सोसाइटी का बड़ा मेजर रोल है कि अगर आपको कोई लगे कि एम्बुलेंस आ रही है तो उसको बवक्त रास्ता दें, अगर कोई गाड़ी है जिसमें आपको लग रहा है कि मरीज़ आ रहा है और वो किसी तरीके से वो बता सक रहे हैं कि उनको एमरजेंसी है, तो उनको भी वक्त पे आगे जाने दें और ताकि वो वक्त पे हॉस्पिटल पहुँचे और वक्त पे उनके इलाज हो सकें। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, सिगरेट स्मोकिंग और आजकल जो किसी किस्म के ये जूसेस, सोडास, ये ड्रग्स, ये वो चीज़ें हैं जो आपकी जिस्म की रगों को बहुत बुरी तरह ख़राब करती हैं। और अब हम पहले जो समझा जाता था कि फालिज जो है सिर्फ एल्डरली लोगों को होता है, वो अब बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं, क्योंकि यंग और मिडिल एज और एल्डरली सारे ही इसी मर्ज में मुबतला हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि रहना सहना खाना पीना बहुत बदल गया है। तो हमें अपने जिस्म का ख्याल रखना चाहिए, जो हम खाते हैं उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए और जो हम पीते हैं उसका ख्याल रखना चाहिए, और सिगरेट और इस तरह की जो तमाम वाइसेज़ हैं उनसे दूर रहना चाहिए।